आसपास की ताजा तरीन खबरें सबसे पहले देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए डेली न्यूज झारखंड और घंटे के बेल आइकन दबाना ना भूलें। नमस्कार, डेली न्यूज झारखंड में स्वागत है आपका। मैं हूं इम्तियाज अंसारी, प्रस्तुत है समाचार। गढ़वा झारखंड होम गार्ड वेलफेयर एसोसिएशन के द्वारा उपायुक्त कार्यालय के समक्ष अपनी 5 सूत्रीय मांगों को लेकर एक दिवसीय धरना दिया गया। मौके पर कार्यकारी अध्यक्ष अजय तिवारी ने बताया कि उपायुक्त महोदय के द्वारा झारखंड सरकार को तक खबर पहुंचानी है कि जो चुनाव से पहले उन्होंने वादा किया था कि मेरा सरकार बनने के बाद मैं गृहरक्षकों का ड्यूटी सुनिश्चित करूंगा, समान काम का समान वेतन दूंगा और जो हमारा पुराने राज्य बिहार में जो सुख सुविधा गृहरक्षकों को मिलता है उस सारे चीज़ को यहाँ मैं लागू करूँगा। लेकिन आज इनका सरकार बने साल लग गए लेकिन अभी तक हम लोगों के लिए इन्होंने किसी भी प्रकार का कदम नहीं उठाया, जिसके विरुद्ध में हम लोग आज एक दिवसीय धरना उपायुक्त महोदय के कार्यालय के पास किए हैं। अगर हमारी मांगे 7/3/2021 तक पूरी नहीं की जाती है तो 8/3/2021 से राजधानी रांची में विधानसभा के समक्ष अनिश्चितकालीन धरना दूंगा और जब तक हम लोग का मांग पूरा नहीं होगा तब तक हम लोग वहां पर धरने पर बैठे रहेंगे। एक बार पुनः अपना परिचय बताइए। अजय तिवारी, गढ़वा जिला का। वहीं एक और होमगार्ड ने बताया कि आज 1/3/2021 को हम गढ़वा के उपायुक्त महोदय के समक्ष धरना पर बैठे हुए हैं। सरकार द्वारा जो हम लोगों के साथ दुर्व्यवहार किया जा रहा है, किसी की भी सरकार बनता है तो सिर्फ वादा होता है कि गृहरक्षकों के हित के लिए हम कार्य करेंगे, लेकिन सारे वादे विफल हो जाते हैं। पूर्व में भी हम लोग अनशन पर बैठे थे, माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी द्वारा यह आश्वासन दिया गया था कि आप लोगों की मांगे जायज है, यदि मेरी सरकार बनेगा तो सबसे पहले मैं बिहार के तर्ज पर जो भी गृहरक्षकों को मिलने वाला सुविधा है तो मैं सारी सुविधा दूंगा, लेकिन सिर्फ वादा ही रह जाता है। हम लोग आहत होकर मजबूर होकर यहाँ पर 1 तारीख को धरना पर इसलिए बैठे हैं कि हम शांतिपूर्ण धरना देना के माध्यम से यह बताना चाह रहे हैं कि हमारी जो भी मांगे हैं और जो आपने वादा किया है या जिला के वरीय अधिकारीगण से भी आग्रह कर रहे हैं कि हम लोगों की मांग पर सहानुभूतिपूर्वक विचार करते हुए बिहार के तर्ज पर हम लोगों को सारी सुविधा दिया जाए। यदि 7 तारीख तक हमारी मांगों पर विचार नहीं हुआ तो हम इससे भी। मौके पर काफी संख्या में झारखंड होमगार्ड वेलफेयर एसोसिएशन के लोग मौजूद थे।